नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। देखिए, मैं आज बात करने वाला हूं कि किस तरह से पेड़ के पत्तों से आपके धन की कमी दूर हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, मालामाल आप हो सकते हैं, लेकिन खास पत्ते का प्रयोग खास नक्षत्र में करना पड़ता है। पहला प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महीने में एक बार अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का पत्ता लाके अगर आप अपने भंडार घर में, है ना, किधर उत्तर पश्चिम कोने को भंडार कोना बोलते हैं, वहाँ पर अगर आप बरगद का पत्ता रख देंगे जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो, तो आपका भंडार धन से भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। इसी तरह से बरगद के पत्ते को अगर आप पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है, शनि का नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में बरगद के पत्ते को पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दे, बरगद के पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु जी का मंत्र है, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान ही धन दौलत देते हैं, विष्णु जी का मंत्र लिख करके तिजोरी में रखेंगे आप ना, अगर बरगद का पत्ता पुष्य नक्षत्र में, मालामाल हो जाएंगे, आपकी तिजोरी भर जाएगी। हाँ, इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र होता है, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र में बेलपत्र जेब या अलमारी में रखने से, बेलपत्र ले आइए, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है, बेलपत्र तो आप जानते हैं, उसको जेब या अलमारी में रखने से दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर पैसे की कमी है, वो दरिद्रता दूर हो जाती है, तो आपको रोहिणी नक्षत्र में उसे रखना चाहिए। बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र में, नींबू का पत्ता, नींबू का पेड़ आपको सहज ही मिल जाएगा, नींबू के पत्ते को ला के ऐसे रगड़ के सूंघे ना, तो नींबू जैसी खुशबू आती है उसमें। हाँ, तो नींबू के पौधे का पत्ता ला करके अनुराधा नक्षत्र में, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और नींबू भी शनि का माना जाता है, आप अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए, तिजोरी में, खुलेआम कहीं रख दीजिए, या व्यापार स्थल में पूजा पाठ जहाँ करते हैं वहाँ पर रख दीजिए, आप मालामाल होने हो जाएंगे, बहुत मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से श्रवण नक्षत्र में अंगूर के पत्ते पास रखने से धन लाभ होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि ये पत्ते भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, नक्षत्र के अनुसार इन पत्तों का प्रयोग करके आप मालामाल हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं, कोई कमी नहीं होगी, तो आप कर लेना उपाय। लेकिन मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम।